बेफिक्र हो जा मेरी बच्ची, रानिया के साथ तो मैंने वो किया है ना, काम बराबर कर दिया मैंने उसका। बस तू बस खुद को संभाल ले, अपनी सेहत की फिक्र कर सना। तेरी मोहब्बत में ना कुछ भी कर गुजरूंगी, कुछ भी। मेरी माँ को लंबी जिंदगी देना, उनका साया मेरे सर पर हमेशा सलामत रहे। या खुदा मैं बहुत कमजोर, अकेली, अपनी माँ को बचाने के लिए क्या करूं, किससे मदद मांगूं। सुनने वाला, देखने वाला मददगार, हमारी मदद फरमा। मेरी मां को दुश्मनों के शर से बचा। दुनिया की आसाइशें असल कामयाबी नहीं है, असल कामयाबी तो मोहब्बत में कामयाबी है। हो जिंदगी है एक तमाशा, पल में तोला पल में बाशा, ओ यारा जी ले जरा। दीजिए ना। मर गए हम आपकी मोहब्बत में।
शानिया को कुछ नहीं होने दूंगा। सारी रात गुजर गई है, सुबह होने वाली है, नींद नहीं आ रही मुझे। ताने क्या कर रहा है? नहीं 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 रानिया को मां कुछ नहीं होने दो, कुछ नहीं। रानिया मेरी मोहब्बत है, कल ही अम्मी से बात करते हैं। ये घर भेज दो, क्या करना है सब? कहीं दूर चला जाऊं, बस ये रहना मुझे सब। भी साथ छोड़ दी। उठ गए आप? अरे हैरत की बात है, आज तो हमारे कैद खाने का दरवाजा ही खुला। लॉक करना भूल गए होंगे। वैसे भी ये कमरा ही क्या, अब तो पूरा घर ही कैदखाना है हमारे लिए। यहां से निकल भी गए तो बाहर बाहर कैसे पहुंचेंगे? दानिश ने पर कुत्ता जो छोड़ दिया। अब हम कहीं नहीं जा सकते, फंस गए हैं यहाँ। अब तो मामा लगता है कि पूरी उम्र इसी कैद में गुजारनी पड़ेगी। क्या बात है रानिया, तुम तो बड़ी हिम्मत वाली बच्ची हो बेटा। तुम तो मुझे हिम्मत दिलाती हो, आज खुद क्यों मायूसी की बातें कर रही हो? पता नहीं, मेरी जान अंधेरे के बाद ही सवेरा होता है। आज सूरज ने देर कर दिया मामा, लगता है आज का सवेरा नसीब नहीं हमारा। खैर छोड़ें, आज रूम लॉक नहीं है तो क्यों ना अपनी मामा के लिए बेड टी बना कर लाऊं अपने हाथों से। ये तो तुम बहुत अच्छा करोगी, लेकिन नवाब तो हर चीज को ताला लगा के रखती है किचन में। इतना तो होगा कि आपकी बेड टी बन जाए, तो मैं आपके लिए बेड टी बना कर लाती हूँ, तब तक आप नमाज पढ़ लें, ठीक है? Thank you.
अल्लाह खैर। ये कैसा धमाका है? लगता है कोई ट्रांसफार्मर उड़ा है। नहीं निहाल, ये करीब से आवाज आई है। हमसे कहा है? वो तो सुबह सुबह जिम चला जाता है। फोन। अरे हमजा का फोन है। हमजा क्यों फोन कर रहा है? सवाल जवाब बंद करो, सुन लो ना। जी जी हाँ हमजा। सब ठीक तो है? या अल्लाह। अच्छा हम आ रहे हैं। कुछ बोलो भी, क्या हुआ है? रानिया के घर में आग लग गई है और दानिश झुलस गया है। हमें फौरन चलना है। मैं बस कपड़े बदल लूं। जब उनको लाया गया था 90% उनका जिस्म झुलस चुका था। We tried our best. I'm sorry. There's no more. सामान का है उधर बैग। मेरा बैग पे है, उधर ही पड़ा है। सारा सामान समेटो, निकलो यहाँ से। वो मर गया यार, हमारे पे बल्ली है। कुत्ते खोलो जल्दी, देर ही लगा ना। Thank you.
अंकल जी तदफीन का टाइम हो गया। ठीक है बेटा, भाई साहब हिम्मत से काम लें, इस वक्त हिम्मत की जरूरत है। आप यार भाई क्या कहूं, मेरा बच्चा जैसे ही है कि उसको कंधों पे उठाने वाला बाप उसकी वैयत को कादा भी नहीं दे सकता। मैं जरा जा रहा हूँ, क्या ख्याल है? तीनों को यहाँ तक लाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। अरे दूसरे बच्चों के जिनके बाप होते हैं ना, उनको इतनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल नहीं मिलती जितनी तुम लोगों को मिली हुई है। मॉम ने भाई की दुल्हन के साथ साथ तुम्हारा शहजादा भी ढूंढना शुरू कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला मैडम। और अगर हो गया तो मैडम? बताया क्यों नहीं आने का? मुझे आपकी बच्ची बड़ी प्यारी लगी। मैं सच पूछूं तो मैं अपने बेटे आसिम का रिश्ता लेके आई थी आपके नेहा के लिए। कैसी जवान मौत है, माँ तो सदमे से पागल हुए जा रही है और बीवी को देखो कितनी इत्मीनान से बैठी है, जैसे शौहर की नहीं किसी और की मैयत पे आई हो।
कैसी बीवी है तौबा। मुझे तो लगता है इस वक्त भी सदमे में है, सदमे की वजह से ऐसे कर रही है। हादसा ही इतना खतरनाक है। मोहब्बत करो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मुझे कबूल किया है, अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। हाँ किया है कब, लेकिन इस वक्त तुम्हारे सामने जो रानी है ना, वो जिंदा लाश है। रूह तो कहीं और ही है, जिसको कैद किया जा सकता है, लेकिन उसमें मुझको मोहब्बत को नहीं। और मैं सिर्फ हमजा से मोहब्बत करती हूँ। सुना तुमने? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम आपको मजबूर कर देंगे कि आप हमजा को भुलाकर मुझसे मोहब्बत करें। दर्द तो मुझे भी होता है। जब भी मैं तुम्हारी उस पुरानी आशिकी के बारे में सोचता हूँ, बहुत दर्द होता है। मैंने सब अपनी आंखों से देखा, इन्हीं आंखों से। वो तुम लोगों की करीबियां, वो बेताबियां, तुम पास रहे, सब देखा है मैंने। तेरा खुदा जानता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कभी। झूठ, बेवफा औरत हो तुम। कैसे यकीन करूं मैं तुम्हारा? एक दोस्त था मेरा, वो भी मेरा दुश्मन बन गया है। नफरत करता हूं मैं उससे, बोल के बहुत नफरत करता हूं मैं उससे। सुना तुमने? दानिश, वो सब ठीक है। क्या हो गया? हाय, मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा था। हाय हाय, गम की शिद्दत से बिचारी का दिमाग पलट गया है। ये सदमा बीवी और माँ दोनों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाय, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया? कुछ नहीं किया तुमने, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है तुमने, कुछ नहीं किया है। हाय, मैं उठा लूं, मैं उठा लूं, मैं बच्चे को खा गई। तुम लोगों को क्या लगा तुम लोगों की तरफ से लापरवाह हो गया मैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। पूरे घर में कैमरे लगाए हुए हैं, मैंने सब पता है मुझे, हर हरकत पता जा रही है मेरी। कब तक धमकियां दोगे, कब तक जुल्म करोगे, कब तक कैद करके रखोगे? एक ना एक दिन तो रिहाई मिलेगी ना। अपनी जिंदगी से रिहाई मिलेगी, मेरी कैद से नहीं। रुखाला, क्या बेटी से मोहब्बत नहीं है क्या आपको? समझाती नहीं है उसको? माफ कर दो, गलत हो गई उसको। आखिरी वार्निंग है, दिस इज माय लास्ट वार्निंग। आइंदा कुछ ऐसा होगा ना, कोई रोक नहीं सकेगा मुझे। तो वार्निंग दे दो ना मुझे, तुम्हें तो वार्निंग भी नहीं मिलेगी, अल्लाह की लाठी पड़ेगी तुम पर। कुछ नहीं होता मुझे। तायमी, दानिश मेरे हिस्से की मौत मर गया। अगर वो ना मरता ना, तो मैं मर जाती। बेटा,
बेटा सब्र करो। मासूम भाई की जान ले लो, मेरा घर उजाड़ दिया और अब हमजा को अपने जाल में उतारने की कोशिश करेगी। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं अपने हमजा को तुम्हारा होने नहीं दूंगी रानी। चाहे मुझे उसकी जान ही क्यों ना लेनी। अगर वो मेरा नहीं हुआ तो किसी और का भी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैडम, मेरी तरह मेहनत करनी पड़ेगी ना, तब पता लगेगा। इंसान की कोई लाइफ ही नहीं रहती है सिवाय इसके कि सारा दिन यस बॉस करते रहो। किसने कहा है तुझे इतनी मेहनत करने के लिए? यार तू तो ऑफिसेज है मेरे, कहीं भी तू काम कर सकता है। यार मेरी अपनी रिजर्वेशन, नहीं करना चाहता मैं तुम्हारे ऑफिस में काम। यू नो बिजनेस में बड़ी ऊंच नीच हो जाती है, कल को हमारे बीच में बात खराब हो जाए, मैं तेरी शक्ल भी ना देखूं फिर फायदा? कम ऑन यार, व्हाई डू यू थिंक सो नेगेटिव? भाई आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आप बोल में स्पून मुंह में लेकर पैदा हुए हैं। आपको क्या बता मेरे एहसासों का, जज्बातों का। किसी को मारने से अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा होता तो मार लो, मुझे पहले मारो, मगर मैं तुम्हें यहां पे इस कंडीशन में छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस सब में तुम भी मुलाफिज हो, तुम भी साजिश का हिस्सा थे ना? बोलो। मुझ पर शक करने के बजाय अगर तुम मुझे जान से मार देते ना, वो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि इतनी तकलीफ ना होती फिर मुझे। दुनिया जो भी कुछ कहती रहे,
तुम अपना बताओ, तुम्हारा और रानिया का ताल्लुक तो मजबूत है ना? हाँ। गुड। फिर एक काम करो, तुम रानिया को लेकर घर से भाग जाओ, क्योंकि दानियाल खालू तो तुम्हारी शादी उनसे होने नहीं देंगे। हमजा, हमजा, ये सब क्या हो रहा है? ये संभाल कर रखे इस अपने नामुराद आशिक बेटे को। दूसरे की बीवी में दिलचस्पी लेता है, आइंदा इसने मुखातिब करने की कोशिश भी की ना, दूसरे हाथ भी तोड़ दूंगा मैं इसका। लेके जाए इसको यहाँ से। बार बार कह चुका हूँ मेरी फैमिली से दूर रहो, क्यों आता है यहाँ पर? क्या हो गया हमजा, क्या हो गया? एक लड़की की खातिर खुद को क्यों जलील करवा रहे हो? अभी वो खुश नहीं है उसके साथ। देखती नहीं है। क्या खुश नहीं है? नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा तुम्हें कैसे तैयार होके खड़ी हुई है ये, और तुम कह रहे हो खुश नहीं है? खुदा के वास्ते हाथ जोड़ती हूँ उस लड़की का पीछा छोड़ दो हमजा। तुम्हें वहम हो रहा है बेटा, अगर ये खुश नहीं है तो ये इसका मसला है, तुम्हारा नहीं है। चलो यहाँ से, कहती हूँ चलो यहाँ से। मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? अविंदर इसकी तरफ भी देखा ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। क्या भाई, यहाँ क्या कर रही हो? मेरा घर है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। चलो अंदर, मेरा घर है, जाओ अंदर राइट नाउ। उससे क्या बात कर, तुम मारते हो उसे? रोज मारते। क्यों भाई? बीवी है मेरी, मेरी मर्जी में जो चाहूं करूं, तू कौन होता पीछे बोलने वाला? हाँ, कितनी बार बोला उससे दूर रखा। मेरी बहन जा, जान ले लूंगा मैं तेरी, तेरी हिम्मत के सामने से हाथ लगा दे। लेके जाओ इसको यहां से। बीवी है मेरी, मेरी मर्जी में जो चाहूं करूं। कितनी बार बोला है मेरी बीवी के सामने मत आया कर, दूर रह मेरी फैमिली से।